अब ध्रुव जी महाराज किनके पुत्र हैं? उत्तानपाद के। उत्तानपाद मनु महाराज के पुत्र हैं। उत्तानपाद इसका अर्थ क्या है? पाद कहते हैं पैर को, और उत्तान कहते हैं पैर जिसका ऊपर हो, यानी सिर नीचे है। अब सिर और पैर इसका क्या लेना देना है? जिसकी सोच उल्टी उसे उत्तानपाद कहें। दूसरी बात, उत्तानपाद का अर्थ क्या है? पैर कहते हैं क्रिया को, चलना ये क्रिया। मस्तक है सोच। अब इस बात को देखिए, हम लोग अपने मस्तक को कहां रखते हैं, सोच को कहां रखते हैं? नीचे है संसार। संसार में अगर आपके विचारधारा और आपकी क्रिया, पैर कहां है? ऊपर वैकुंठ। भगवान की क्रिया कर रहे हैं आप, पूजा पाठ कर रहे हैं या कथा मंडप में बैठे हैं, लेकिन आपकी सोच कहां है? आपकी सोच अगर संसार में है, आप सोच रहे हैं भैया घर जाएंगे क्या बनाएंगे, पकोड़ा बनाएंगे या चाट बनाएंगे, क्या खाएंगे, आप सोच कहां? क्रिया अब होना क्या चाहिए? तन हो शरीर में, संसार में तन, अपना तन यहां काम करे, और मन कहां लगे? भगवान में। बुद्धि लगे भगवान में। जैसे गोपियां काय कहती थी, सब घर का कामकाज करती थी, लेकिन गोपियों के मन में जो चिंतन था वह कृष्ण का था। गोपियां वन में नहीं गई थी तपस्या करने, गोपियां इसी संसार में रह रही थी, जो हम लोग कर रहे हैं वही काम कर रही थी। भागवत में आप देखिए, वो सारे घर के सारे काम धंधे गोपियां कर रही थी, लेकिन मन था उनका भगवान में। बंसी बजते ही वो सब कुछ भूल जाती थी, भगवान की मुरली बजती वे सब भूल जाती और भागी दौड़ती थी। कहां मन, वहां तन, कहां यहां। पैर थे संसार में और सिर था भगवान में, वह था सीधा जिसका पैर। लेकिन उत्तानपाद कौन है? जिसकी क्रिया तो है भगवान में, बैठा तो मंदिर में है लेकिन सोच रहा है धंधे की बात, चित्त वहां लगाया। देखो एक डॉक्टर के पास एक स्किन की बीमारी वाला व्यक्ति पहुंचा। डॉक्टर ने दो तेल दिए, दो टॉनिक जैसी चीज, एक दिया भैया इसको लगा लेना, ये लाल वाली थी और दूसरी वाली थी काली वाली, बोले इसको एक एक बूंद दूध में डाल के पी लिया करो। अब वो एक एक बूंद दूध में डाल के पीते थे और ये लगाने, लाल वाली लगानी है, काली वाली पीनी है। गया, जाते जाते वे घर में भूल गया। अब वो काली वाली को लगाने लगा और लाल वाली एक एक बूंद पीने लगा। दो दिन तीन दिन बीत गए, दो तीन दिन बाद जब आता है तो उसकी बीमारी और बढ़ गई। डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब क्या बात है? बोले कैसी तबीयत है? बोले पहले से भी खराब है। क्यों? बोले दवाई नहीं ली? हाँ ली थी महाराज, जैसे मैंने कही थी वैसे ली। बोले हाँ वैसे ही ली। क्या किया? बोले ये जो काली वाली दवाई है इसको मैं रोज लगाता था, और ये जो लाल वाली है एक एक बूंद डाल के पीता था। डॉक्टर ने कहा अरे भैया मूर्ख, दवाई दोनों सही, मैंने बताया भी सही, लेकिन तूने उल्टा काम कर दिया, लगाने वाले को पीने लगा और पीने वाले को लगाने लगा। ये मन और तन भगवान ने दिए, तन यहाँ के लिए दिया, यही जन्म हुआ यही रहेगा, लेकिन मन ना यहाँ जन्म हुआ ना यहाँ रहा,
आप बताओ ना, आपको क्या अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है? कितने घंटे आप टीवी देखेंगे बताइए? एक घंटे से ज्यादा मन टीवी में भी नहीं लगता है, चला जाता है मन उड़ के, टिकता है मन? कोई बोले कि हमें पार्टी करना अच्छा लगता है, कोई बोलता है कि आप पार्टी करो, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, एक दो घंटे ज्यादा से ज्यादा, फिर पार्टी से भी मन होता है चलो चलो। कोई कहे खाना अच्छा लगता है, कितना खाना अच्छा लगता है, एक दो ज्यादा से ज्यादा 10-20 आइटम खा लो फिर उल्टी आने लगती है, छोड़ो। मन कहीं नहीं टिका। और एक बात आपको दोहरा दूं, बड़े गौर से विचार करके देखो, कोई आपको संसार के सारे सुख भी दे दे और आपको सोने न दे रात को, बोले आप बस पार्टी करो, एंजॉय करो, खाओ, घूमो, सब कुछ करो, लेकिन आपको सोने नहीं दे, आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? दुख मिलेगा ना। मनुष्य को सच्चा सुख तभी मिलता है जब सब कुछ भूल के वो गहरी नींद में सो जाता है। जब तक नींद नहीं आती, गहरी नींद, तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और ये गहरी नींद क्या कहती है? कहती है संसार को भूल जा, तभी तुझे शांति मिलेगी। ठीक है या भूल गलत कह रहा हूं बताओ? सही कह रहे हैं। सच्चा सच्ची शांति गहरी नींद सोने पर ही आती है, जब हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही जब भगवान के भजन में, नाम में, ध्यान में, जब आप डूब के अपने आप को, अपने इस परिवार को, अपने इस संसार को कुछ क्षण के लिए भूलते हैं, तो ऑटोमेटिक अंदर का जो आनंद है, अमृत है, वह छलकने लगता है। यही भगवान की कृपा है। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल। तो उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसका कर्म तो है भगवान का, लेकिन मन है संसार में डूबा हुआ, इसलिए इसको क्या पसंद है? सुरुचि पसंद है। देखो, रुचि की चीज को कम ही इस्तेमाल करो तो फायदा है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहों का शाह। जो आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, आनंद संत फकीर करे। भैया, संत फकीर लोग जो आनंद करते हैं अमीरी में, वो आनंद नहीं है। क्यों? संतों को कुछ चाहिए ही नहीं। आप देखिए ना, आप जब तक किसी चीज को चाहते रहेंगे, किसी व्यक्ति को चाहते रहेंगे, किसी वस्तु को चाहते रहेंगे, तब तक आपको ही टेंशन होती रहेगी। ये लाख रुपए की बात है, अनुभव की बात है भैया। जब तक आप कुछ ना कुछ वस्तु को चाहते रहेंगे, किसी व्यक्ति को चाहते रहेंगे ना, तब तक आपको केवल दुख ही दुख, दुख ही दुख मिलेगा। और जिस समय आप चाहना बंद कर दोगे ना, तब सब कुछ शांति अपने आप। यह अनुभव की बात है। जब तक हमारे मन में किसी वस्तु की चाह रहेगी, तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा।
दुख से पीछा छुड़ाना है तो चाहना बंद कर दो, और अगर फिर भी चाहने की आदत पड़ गई है, चाहे बिना रहा नहीं जा रहा, तब इन गोविंद जी को राधा रानी को चाहो। ये चाहो कि प्रभु का मंदिर बना लो, ये चाहो कि प्रभु को सुंदर वस्त्र पहनाओ, ये चाह आधी भी रह जाएगी तो भगवान उसे पूरी कर देंगे कभी ना कभी। हाँ हाँ, सबसे उत्तम है चाहो मत, और अगर चाहना पड़े तो भगवान की सेवा के लिए चाहना करो। सबसे उत्तम है किसी का संग मत करो, और अगर संग करना ही पड़े तो संतों का संग करो, भक्तों का संग करो। प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद जो थे उनका संसार में उनकी आसक्ति थी, बुद्धि संसार में लगी हुई थी, इसलिए उनकी रुचि के अनुसार वे सदा काम करते थे। सुरुचि नाम की पत्नी को वे ज्यादा प्रेम करते थे, रुचि में डूबे रहते थे। यह अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है, यह अच्छा नहीं लगता, यह अच्छा नहीं लगता। और सुनीति नाम की जो पत्नी थी उसे वे विशेष प्रेम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वह धर्मात्मा थी, सीधी सादी थी, सादगी भरा उसका जीवन था, उससे प्रेम नहीं करते थे। अब सुरुचि का जो पुत्र हुआ उसका नाम है उत्तम। हम जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो हमको बड़ा आनंद लगता है ना, तो उसे उत्तम फल है, लेकिन ध्रुव नहीं है। सुरुचि का फल जो है ध्रुव है, यानी सदा रहने वाला। ध्रुव कहते हैं जो अटल रहे। ध्रुव वास्तव में संसार में अटल क्या है? भगवान है, और कोई वस्तु अटल नहीं है। हर चीज टल जाती है, हर चीज एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन लेकिन भगवान ही केवल थे, हैं और रहेंगे। इसलिए प्रभु को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वह सत्य है, वह शिव है और वह सुंदर है, सदा रहने वाले हैं। तो एक बार उत्तम पास में खेल रहा था, सुरुचि के महल में उत्तानपाद विराजमान थे सिंहासन में। ध्रुव जी के मन में पिताजी की गोद में बैठने का विचार आता है। वे आते हैं पिताजी की गोद में बैठने के लिए, मचलने लगते हैं। ठीक उसी समय सुरुचि उनका हाथ पकड़ के नीचे खींच लेती है। बोले, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई गोद में बैठने की? अगर तू पिताजी की गोद में बैठना चाहता है तो जा पहले उत्तम तपस्या कर, और उसके फल स्वरूप तू मेरे कोख से जन्म ले, उसके बाद बैठना। ध्रुव जी का क्षत्रिय स्वभाव, क्रोधित हो जाते हैं, रोते रोते उस स्थान से चले जाते हैं। और माँ के पास आके रोने लगते हैं। माँ को पता है कि सुरुचि के पास गए थे, जरूर सुरुचि ने कुछ कटु वाक्य कहे हैं, लेकिन फिर भी माँ ने कुछ पूछा नहीं। अब की माताएं तो पहले पूछती है, क्यों, किसने तुझसे कुछ कहा? अभी मैं मजा चकाती थी, उसकी इतनी हिम्मत तुझसे बोलती है? ला मैं उसको सीधी कर दूं। बड़ी जवान चलती है कैंची की तरह। सुरुचि ने कुछ नहीं पूछा। नौकर चाकर ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो बुलाती है, बेटा ध्रुव इधर आओ। छोटी मैया ने ऐसा कुछ तो बुरा कहा नहीं कि तुम रो क्यों रहे हो, बिना बात के छोटी माता पे क्यों क्रोधित हो रहे हो? छोटी माता ने जो कहा सही कहा। भगवान की भक्ति तो तेरे दादाजी ने भी, मनु महाराज ने की, उनके पिताजी ब्रह्मा जी ने भी की,
भगवान की भक्ति तो करना ही चाहिए। तेरी छोटी माँ तेरी पहली गुरु है। जो शिक्षा मैंने नहीं दी वह तेरी छोटी माँ ने दे दी। जा उनको प्रणाम कर। ध्रुव जी मन ही मन प्रणाम करते हैं और जंगल को चले जाते हैं। उनके मन में तो ये भाव है कि ना माँ मेरी बात समझती है, ना पिताजी समझते हैं, ना छोटी माँ, कोई नहीं समझते मेरी बात। लेकिन मैया ने एकदम सही ट्रीटमेंट दिया। उसे ध्रुव जी का नाम आज संसार में रोशन हो गया। लोग अपने बच्चे का नाम उत्तम नहीं रखते जल्दी से। अगर रखते हैं तो ध्रुव रखना पसंद करते। क्यों? ध्रुव उज्जवल तारा बन के आज चमक रहे हैं। उसके पीछे उनकी छोटी माँ की ही वाणी है। ध्रुव जी महाराज वन को जाते हैं। रास्ते में उनको वीणा बजाते, हरिगुण गाते, नारद जी महाराज मिल जाते हैं। देखो नारद जी एकदम मौके पे पहुंचने वाले संत हैं। व्यास जी को असंतोष हुआ तो नारद जी पहुंच गए। वाल्मीकि को शिक्षा मिलनी थी तो नारद जी पहुंच गए। प्रहलाद को मारने वाले थे इंद्र तो नारद जी पहुंच गए। भगवान के भाई बहन बचने वाले थे तो कंस के पास नारद जी पहुंच गए। इसका अर्थ क्या है? नारद कौन है? नारम जलम ददाति इति नारद, जो नार यानी जल को देता है। अच्छा, नारायण कौन है? नारम जलम नारे शयति इति नारायण, जो नार जल में शयन करता है वह नारायण। अच्छा, जल में शयन करने वाला नारायण और जल देने वाला नारद, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान जिस कृपा करुणा के जल में सोते हैं वह कृपा देने वाले गुरु सद्गुरु नारद जी ही हैं। परमात्मा जिस हृदय में रहता है वैसा हृदय बनाने वाला महात्मा ही है। समझ गए? तो नारद जी महाराज ध्रुव के हृदय में भगवान को स्थापित करने आए हैं। नारद जी महाराज ने व्यास जी के हृदय में भागवत स्थापित की। नारद जी महाराज ने प्रहलाद के हृदय में भक्ति दी। नारद जी के चार चेले, दो बूढ़े और दो बच्चे। दो बूढ़े शिष्य कौन? वाल्मीकि और व्यास, विश्व प्रसिद्ध। एक ने रामायण लिखी, एक ने भागवत लिखी, महाभारत लिखी। और दो बच्चे शिष्य, एक ध्रुव और प्रहलाद, भगवान के मुख्य पार्षद दोनों। तो नारद जी ऐसे वैसे को दीक्षा नहीं देते, जिसको दीक्षा देते हैं उसको बिल्कुल। इसीलिए स्वयं भक्ति महारानी कहती है नारद जी के लिए, जयति जगति माया यस्य काया धैवस्ते, वचन रचन में तम केवलम चाकलय, ध्रुव पदम पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जिनके एक बार के उपदेश से ध्रुव ध्रुपद को पा गया, जिनके एक बार के उपदेश से प्रहलाद ऐसे महान भक्त बन गए, जिनके एक बार के उपदेश से वाल्मीकि तर गए, ऐसे नारद जी को हम सब प्रणाम करते हैं। तो वे नारद जी पहुंच गए। अरे बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले वन को जा रहा हूं। क्यों? तपस्या कर रहे। अरे भैया तुम 5 साल के बच्चे अभी से तपस्या क्यों करोगे? अरे बूढ़े होने से तपस्या करना। नारद जी महाराज को देखकर ध्रुव जी ने कहा कि महाराज आप बताओ, आप सच्चे संत हैं या डुप्लीकेट संत हैं? बोले क्यों? बोले हमने तो सुना है संत वो जो भगवंत से मिला दे, और आप हमें कह रहे हैं बूढ़े होने से माला लेना।
ये तो कोई डुप्लीकेट संत की बात है, असली संत की नहीं है। नारद जी महाराज समझ गए ये बेटा पक्का चेला है। बोला अच्छा तो अभी तपस्या करेगा? बोला हाँ। तो ये हुई बात, मैं तो तेरी परीक्षा कर रहा था। अच्छा चाहे तो आधा राज्य ले ले, राज्य के लिए तू तपस्या कर रहा है, मैं तेरे पिता से कहूंगा आधा राज्य ले लो। बोले जिन भगवान के रास्ते में आधा आया तो आधा राज्य मिल गया, उन भगवान को पूरा पालूंगा तो क्या न क्या मिल जाएगा। अब आप बताइए, आप यहाँ सब बैठे हैं, मेरी उम्र से बहुत ज्यादा लोग भी सब बैठे हैं, आप नीचे क्यों बैठे? मेरे चार हाथ थोड़ी हैं जो मैं ऊपर बैठा हूं, चार हाथ भी नहीं मेरे, चार पैर भी नहीं, फिर भी यहाँ किसने बिठा दिया? इन भगवान के नाम ने ही बिठा दिया, इन भगवान के नाम ने बिठा दिया। आप भी करिए, आग के पास जो रहेगा वह तपने लगेगा, भगवान के पास जो बैठेगा उसको भगवान की महिमा उसके हृदय में भी उसके जीवन में भी आने लगेगी। इसी को उपासना कहा जाता है। उपासना का अर्थ उप आसन यानी पास में समीप में विराजमान होना, भगवान के पास बैठना सीखो। जो जप कर रहे हैं भगवान के पास बैठे, भागवत पढ़ रहे हैं भगवान के पास बैठे, भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान के पास बैठे, भागवत की कथा कृष्ण की कथा राम की कथा सुन रहे हैं वे भागवत के पास भगवान के पास ही बैठे। भगवान को पास में रखने लगे, कई उदाहरण है भक्तमाला में भगवान के पास में रखने से ही मनुष्य तर गया। दो बहनें थी, उन बहनों का नाम तो सब भूल गए, छोटी छोटी दोनों बहनें भक्तमाल में उनको शिल पिल्ले बहन कहा गया है। शिल पिल्ले क्यों? छोटी छोटी अवस्था में दोनों बहनें थी, घर में कोई संत आए थे, संतों के पास शालग्राम भगवान थे। अब वे शालग्राम जी को रोज मुकुट पहनाते, उनके नेत्र बनाते, चंदन लगाते, खूब सुंदर उनका श्रृंगार करते, अच्छे अच्छे भोग लगाते, चांदी का सिंहासन और सोने का छत्र, सोने की बंसी उन शालग्राम जी को विराजमान करके पहना के और वे आरती उतारते। दोनों की दोनों बहनें दोनों के मन में ऐसा लोभ हुआ कि किसी तरह हमको ये शालग्राम मिल जाए। संत जब पूजा उजा करके शांति से बैठे, दोनों की दोनों बहनें रोने लगी। बाबा बाबा, बोले हाँ, ये कौन है? बोले ये शालग्राम है। बोले ये शिल पिल्ले हैं, शिल होता है ना सिलबट्टी, उसके बच्चे हैं, पिल्ला मतलब बच्चा, तो सिल के पिल्ले हैं। बोला हमको भी ये दो सिल पिल्ले दो ना, हमको भी सिल पिल्ले दो। संत ने पूछा सिल पिल्ले कौन? बोले ये जिनकी तुम पूजा करते हो, ये सिल के ही तो बच्चे हैं। बोला हाँ हाँ, सिल के बच्चे हैं, हमको भी दो। संत ने कहा अरे बड़ी मुसीबत आई, इनको कहाँ से देंगे? कोई बात नहीं, तुम कल आना, तुमको देंगे। अब वे संत
एक दो तीन दिन तक उन बच्चियों को बहलाते रहे, कल आना कल आना कल आना, लेकिन बच्चियां ऐसी जीती माने नहीं, बाबा हमको शिव पिल ले दो, बाबा हमको शिव पिल ले दो, बाबा हमको किसी तरह शिव पिल ले दो। अब संत ने अंत में कोई नदी के पास गए स्नान करने, गोल गोल सुंदर काले काले पत्थर उठा के ले आए और उन दोनों पत्थरों को एकदम सुंदर से चिकने करके एकदम उनमें चुहा का तेल और घृत और सब कर्पूर आदि लगा के चंदन लगा के दोनों का श्रृंगार करके बिठा दिया। बोले लियो। दोनों की दोनों बहनें बड़ी खुश हो गई, तेरा वाला तू रख मेरा वाला मैं। अब छोटी छोटी सी अपने सिंहासन काठ का बना दिया, उसमें शालग्राम जी को विराजमान करे। अब वे शालग्राम असली नहीं है, वे तो ऐसे ही कोई पत्थर के टुकड़े हैं, लेकिन उनका भाव आ गया। सुबह से शाम तक उनकी फूलमाला बनाती, उनकी बगिया लगाती, उनको श्रृंगार करती, उनको जो खाती उनको भोग लगा के खिलाती। धीरे 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 एक बार एक बहन के जो जमींदार थे उसके भैया ने आक्रमण कर दिया, घर में खूब जोरदार लूटमार हुई और वह सारा सामान लूटने के साथ चांदी के सिंहासन में शिलशिले बैठे थे, इसलिए सिंहासन समेत उस शिलशिले को भी ले गए। अब जब वो माल मत्ता वो भाई रख रहा था तो ये पत्थर का टुकड़ा देख के उसको कुएं में डाल दिया और सिंहासन अपने पास रख लिया। जब उस लड़की को पता चला कि सब तो गया गया लेकिन मेरा शिमपिल्ला भी चला गया, रोने लगी तड़पने लगी। सबने बहुत समझाया, अरे वे हमारे दुश्मन है, वहां जाओगी तो मारी जाओगी, मारी जाओगी, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। किसी तरह वह बहन मानी नहीं, बोले तुम्हारी दूसरी बहन के जो शिलशिले हैं उसकी पूजा करो। बोले नहीं, मेरा शिलशिला मेरा था, उसका उसका है, नहीं मानी। अंत में सबसे छुप के आधी रात को पहुंच गई उनके घर, तलवारें तन गई, क्यों आई हो क्यों आई हो। दुश्मन थे ना दोनों जमींदार, आपस में मारकाट वाला संबंध था, मार काट दे, क्यों आई हो, अभी मार देंगे, अभी इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किसी ने खींचतान चालू की, रोने लगी, बोले कि मेरे सिलसिले मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब वह था तो चाचा ही, मन पिघल गया। बोले बेटी, छोटी सी बेटी थी, अभी जवान हुई थी, क्या चाहिए, कौन है तेरा सिलसिला। बोले मेरे जो सिंहासन में मेरे ठाकुर, मेरे सिलसिले कहाँ गए। तो बोला अरे वो तो कुएं में फेंक दिए, चलो दूसरा तुमको शालग्राम दे देंगे। नहीं चाहिए मुझे, वही चाहिए, कहाँ कुएं में, ये कुएं में। गई और रोने लगी, नाथ मेरे प्राण बल्लभ मेरे सिलसिले प्रभु, तुम आओ आओ प्रभु आओ, और ना आओ तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ करके कुएं में जैसे कूदने लगी, कुएं में पानी भर गया, इतनी उछाल पानी में आया कि वे शिलशिले ऊपर तैरते हुए उसकी गोद में आके बैठ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। और दूसरी बहन की शादी हुई, दूसरी बहन की जब शादी हुई, अब वह जाए तो शिलशिले को ऐसे